तो अभी मैं आ चुकी हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में। आप जानते हैं उस जगह का नाम क्या है? कश्मीर। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। नमस्ते जी, मैं हूँ मेघा और आपका ये नई सीरीज़ में स्वागत है। ये हम पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं नगीन लेक से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है, डल लेक का ही हिस्सा है। तो अभी मैं इसकी एक सैर पे निकली हूँ। आप क्या ले जा रहे हैं? फूल? फूल ले आए, फूल बेचते हैं। तो यहाँ मुझे ये राइड करा रहे हैं। आपका नाम? अल्ताफ। अल्ताफ भैया, तो यहाँ बताओ हमें कहाँ कहाँ आप दिखाओगे? दिखाएगा लोटस का, लिली का गार्डन, लोटस का। अच्छा, गोल्डन लेक। तो यहाँ लेक पे ना ये शिकारा राइड लेने का सबसे बेस्ट टाइम शाम का ही होता है। अभी आज भी जैसे दिन भर इतना तेज़ धूप थी, तो अभी कुछ शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब मैं निकली हूँ अपनी शिकारा राइड पे। तो यहाँ मुझे काफ़ी सारे हाउस बोट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए अलग अलग तरह की आपको शिकारा बोट दिखेंगे। यहाँ पे कुछ लोग मुझे फिशिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं था इस लेक में फिशेस भी होती हैं। अभी वो दाना उन्होंने रखा हुआ है उस पर और ये फिश के लिए चारा दे रहे हैं और वो एकदम पकड़ में आएंगे। तो यहाँ पे अभी इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना सुकून मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है श्रीनगर। यहाँ पे ये कमल के पूरा ये बगीचा और वो आप सामने पहाड़ी देखिए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी सामने तो हमें बिल्कुल एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं कमल के फूल, और वहाँ आगे इतने ज़्यादा हमें गुलाब रंग के इतने बड़े बड़े कमल के फूल दिख रहे हैं। मैं भैया से कहा है थोड़ा आगे तक ले जाइए। यहाँ भैया ले ही आए मुझे और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, आपको यहीं से मैं भी दिखा दूँ और ख़ुद भी मैं देख लूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये, और यहाँ हर जगह। पिछली बार जब मैं कश्मीर आई थी तो हमने यहाँ श्रीनगर में सिर्फ एक रात का स्टे किया था। हम उस टाइम पे अपना लेह सर्किट कवर कर रहे थे, तो हम कश्मीर में ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। तो उस टाइम से 2017 से इतना ज़्यादा मन था ना कि काश कुछ दिन और यहाँ बिताया होता, तब से लेके इतना ज़्यादा मन था। तो इस साल फाइनली हमारी ये इच्छा पूरी हुई है। यहाँ पे लेक पे भी बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन पड़ रही है ऊपर पहाड़ी की। तो भैया ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ जाती है? बर्फ अगर ज्यादा पड़ती है ना, फिर लेक जम जाता है ऊपर। अच्छा, 10 फुट अगर पड़ेगा ना, फिर लेक जम जाता है, फिर इसके ऊपर चलता है। अच्छा, क्रिकेट भी खेल सकता है। अच्छा, साइकिल भी, कोई भी खेल अगर खेल सकते है वो खेल सकते है आराम से, मतलब इतना पूरा ये जम जाती है। फिर उसमें हम रास्ता बनाते हैं, शिकारा जितना है ना इतना शिकारा बनाते हैं हम रास्ता। अच्छा, फिर आने जाने का रास्ता वही होता है। और फिर बर्फ को बीच में तोड़ना भी पड़ता होगा। वो तोड़ते हैं लकड़ी से, लकड़ी का टुकड़ा होता है थोड़ा, 5-4 फुट वो तोड़ता है, फिर शिकारा चलता है उसी से। तो कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहते हैं, बस एक
शिकारा ले लो, आराम से बैठ जाइए और बस इन नज़ारों में खो जाइए। दोनों तरफ कमल के फूल और हम इसके ठीक बीच से निकलते हुए, हाँ देखिए सनसेट होने वाला है। तो मैं अभी अल्ताफ भैया से कह रही थी कि एक कोई कश्मीरी गाना सुना दे, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने एक किसी से पूछा और वो तैयार हो गए हैं, आपको मैं उनसे मिलाती हूँ। लाला जुला जालियो, लाला जुला जालियो, शात खालिए। लाला जुला जालियो, शमा दरगा खालियो। लाला जुला जालियो, लाला जुला जालियो। तो अभी हम पूरा नगीन लेक का एक राउंड लेके वापस से, अब वो सामने वहाँ ब्रिज दिख रहा है, अब वापस अपने हाउस बोट चलते हैं। सामने हमें हमारा हाउस बोट दिख रहा है और हमने यहाँ नगीन लेक में पीकॉक हाउस बोट बुक किया है, जो कि बहुत ही सुंदर हाउस बोट है। और ख़ास तौर पे जो हमारा रूम है वहाँ पे, उससे ना ये पूरा नगीन लेक का इतना क्लासिक व्यू दिखाई देता है ना, अभी शायद पता नहीं अभी दिखाई दे, मैं ट्राई करती हूँ अभी भी आपको दिखाऊँ, बट आपको ना यहाँ से मैं सुबह का व्यू भी दिखाऊँगी। Welcome to our houseboat. तो ये है यहाँ का लिविंग रूम, कॉमन रूम, और आप देखिए कितनी, मतलब ना कश्मीरी टच दिख रहा है पूरा इसमें। नीचे कालीन बिछी है और पूरा यहाँ पे ये वुडवर्क है, और वो भी इतना इंट्रिकेट वुडवर्क। और यहाँ ये झूमर इतना सुंदर लग रहा है ना, मन कर रहा है इसे साथ ले जाऊँ। हर जगह पे यहाँ इन्होंने ये ऐसी विंडोज़ दी हैं, और यहाँ आप लेक के नज़ारों के मज़े ले सकते हैं। ये पूरा, ये देखो, अखरोट की लकड़ी से काम हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ का डाइनिंग रूम, और यहाँ से भी ये विंडोज़ खुल सकती हैं। फाइनली आपको यहाँ का रूम दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ी हाउस बोट है ये। टंटड़ा, ये था हमारा रूम पिछले 3-4 दिन के लिए, और ये हमारे रूम से ये व्यू दिखता है, है ना सुंदर। ये देखिए यहाँ पे भी ये झूमर लगा है, पूरा भी पूरा ये वुडवर्क हुआ है ऊपर भी। तो चलिए आज का हम दिन शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ शंकराचार्य पर्वत पे,
हम अभी यहाँ शंकराचार्य मंदिर होके आए हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हमें कैमरा अपनी गाड़ी में ही रखना पड़ा। बहुत सदियों पुराना मंदिर है और कुछ 9th century में आदि शंकराचार्य जी यहाँ इस पर्वत पे आए थे और उन्होंने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया, तो तभी से इस मंदिर का नाम अब शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना जाता है ये। और ये जो पर्वत है, ये हिल टॉप है, ये इसे शंकराचार्य हिल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हमको श्रीनगर का दूसरा हिस्सा दिख रहा है। अभी तक हम आपको डल लेक के आसपास की जगह दिखा रहे थे, वो इस पर्वत के उस साइड है। और अभी आप ये दूसरी साइड देखिए, पूरा वहाँ एंड से लेके वहाँ तक पूरा ये श्रीनगर दिख रहा है। एक बीच में हमें एक कनाल भी दिख रही है, वहाँ पे भी कुछ बोट्स हैं, शिकाराज हैं, यहाँ चिनार पॉपुलर के इतने सारे पेड़ हैं, बस वो श्रीनगर की खूबसूरती और बढ़ाता है। तो अगर आप श्रीनगर आते हैं तो शंकराचार्य हिल ज़रूर आइए। पथरी में, ये जगह श्रीनगर से कुछ 60 kilometers दूर है और इतना दूर हम आए, मुझे पता नहीं था ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। मतलब 60 kilometers श्रीनगर से यहाँ तक आना वॉज वर्थ इट, बहुत ही सुंदर है। यहाँ दूध पथरी में दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो ये है, पूरा ये ग्रास लैंड है पूरा वहाँ तक, और यहाँ आप घुड़सवारी कर सकते हैं, मैगी पॉइंट्स हैं, टी पॉइंट्स हैं। बार इतना बड़ा ग्रीन मेडो देखा है, बहुत बार मैं हिमाचल में, उत्तराखंड में मैंने काफी बार मेडोज देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा। कश्मीर की खूबसूरती को ना वीडियो के जरिए बताना आसान नहीं है, ये जगह बहुत 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 सुंदर है। अब कश्मीर की खूबसूरती को बयां करने की एक और कोशिश मैं अपनी अगली वीडियो में करती हूँ, तो जल्दी मिलते हैं आप सब से। स्माइल करके घूम रो, ऐसे रुको जी, बता दो ना, कोई मुझे पोज बता दो जी, ऐसे रख लीजिए अपने दोनों।